गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल आर ड्रोन ऑन ए बी ए सी एंड बी सी एज डायमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेंगल ए बी सी बनाया गया। ए पे बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद क्या किया, ए बी पे एक सेमी सर्कल बनाया, ए सी पे एक सेमी सर्कल बनाया और ये जो बी सी है इस पे एक सेमी सर्कल बनाया, इसको डायमीटर मान के। मतलब थ्री सेमी सर्कल हो गया, एक हो गया ए सी पे, एक हो गया ए बी पे, एक हो गया ए सी पे और एक हो गया बी सी पे। तो बोल रहा है ये सेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। ध्यान से देखिए, इस सेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो इस सेमी सर्कल का पूरा एरिया प्लस इस सेमी सर्कल के पूरा एरिया में से ये एरिया और ये एरिया अगर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये डॉटेड एरिया, ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट एरिया कैसे निकालेंगे। ये वाला एरिया अगर हमको पता चल गया तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया को ऐड करके इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो डॉटेड एरिया ध्यान से देखिए, ये जो बी सी डायमीटर है इस पे जो सेमी सर्कल बना हुआ है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्रेंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो ये डॉटेड एरिया आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि एच बराबर रूट अंडर 25, यानी कि 5, यानी कि ये जो मेरा बी सी डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम इस डायमीटर से इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस डायमीटर अगर बी सी है, बी सी अगर 5 सेंटीमीटर है, यह है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 5/2 सेंटीमीटर। अभी हम बी सी डायमीटर पे जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी एज ए डायमीटर क्या हो जाएगा, 1/2 × π r² यानी कि 1/2 × π, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 × π × 5, का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 25/2 = 8π। मतलब ये एरिया निकल गया इस सेमी सर्कल का, ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है बी सी डायमीटर पे उसका एरिया निकल गया। अब इस ट्रेंगल का एरिया अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट। अब इसमें देखिए, बेस इंटू हाइट मतलब एक ये हो जाएगा और एक ये हाइट हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस है। तो 1/2 × AB × AC हो जाएगा, तो 1/2 × AB 3 है और AC 4 है, 2 × 2 = 4, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये डॉटेड एरिया निकालना है तो इस जो ये सेमी सर्कल है इसका एरिया हमने निकाल लिया, 25/8 π आया है, और इस ट्रेंगल के एरिया को अगर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो ये डॉटेड एरिया आ जा रहा है। तो डॉटेड एरिया क्या हो जाएगा, डॉटेड एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा
25 बाय 8 पाई माइनस 6 सेंटीमीटर, ये आ गया डॉटेड एरिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डॉटेड एरिया आ गया, अब क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया को ऐड कर देंगे और ये दोनों डॉटेड एरिया को माइनस कर देना है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका आया है 25 बाय 8 पाई और ये जो ट्रायंगल है इसका आया है 6। तो बड़े वाले सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस किया, ये डॉटेड एरिया आ गया, वो आया 25 बाय 8 पाई माइनस 6। अब देखिए ये वाला जो सेमी सर्कल एरिया है, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी एज ए डायमीटर, ए बी एज डायमीटर, तो ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 बाय 2 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 बाय 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है 3 बाय 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9 बाय 8 पाई, ये हो जाएगा छोटू सेमी सर्कल का। अब ये वाला सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AC एज ए डायमीटर, तो AC का वैल्यू क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4 बाय 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1 बाय 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 बाय 2 इंटू पाई, और आर का वैल्यू कितना लेना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 2 2 जा 4 यानी कि कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। वन बाय टू पाई आर स्क्वायर 16/8 वही हुआ 2 पाई आ गया। मतलब अब देखिए इस सेमी सर्कल का एरिया पता है और इस सेमी सर्कल का एरिया पता है, इसमें से ये डॉटेड एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस ये डॉटेड एरिया। तो इस सेमी सर्कल का एरिया मेरा कितना आया 9 बाय 8 पाई, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया कितना आया 2 पाई, फिर ये डॉटेड एरिया है ये कितना है 25 बाय 8 पाई माइनस 6 आया था, तो इसको हमको माइनस कर देना है, कितना था 25 बाय 8 पाई माइनस 6, ये आंसर होगा। ये सेमी सर्कल का एरिया प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस ये डॉट एरिया, तो आ जाएगा कितना, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको छाप लिए, जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 9 बाय 8 पाई प्लस 2 पाई माइनस 25 बाय 8 पाई माइनस माइनस प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 ही, यहाँ पे हो जाएगा 9 पाई प्लस 2 8 जा 16 पाई माइनस 25 पाई प्लस 6 8 जा
48, तो 9 प्लस 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 25 जीरो पाई, ये हो जाएगा 48/8 यानी कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेडेड रीजन है इस शेडेड रीजन का एरिया मिला के हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको कीजिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में।